आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजी अंजू। न्यूज स्टूडियो में जो खबर मैं आपको आज सुनाने के लिए जा रही हूँ वो आपके कान खड़े कर सकती है, आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी, आपको भयभीत कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खबर है। जी हाँ, जो खबर हम आपसे साझा करने जा रहे हैं वो ये है कि यदि आप गेमिंग करना आपको पसंद है और आप एक बहुत बड़े गेमर हैं तो ये समाचार आपको बहुत बड़ा शॉक दे सकता है। जी हाँ, वास्तव में वर्चुअल रियलिटी फर्म ऑक्यूलस के जो फाउंडर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा हेडसेट बनाया है जो आपके वास्तविक जीवन को प्रभावित करेगा, यानी कि आपको वास्तविक जीवन में मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है, यानी कि आपको वास्तविक जीवन में मौत के घाट उतार सकता है, मार देगा आपको। जी हाँ, पामल लकिन उन्होंने इस डिवाइस के बारे में ये जानकारी दी है कि ये गेम जो है, ये जो हेडसेट है वो एक जापानी नॉवेल के ऊपर आधारित है। जी हाँ, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इसमें कुछ प्लेयर्स हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं और ऑनलाइन गेम खेलते खेलते जब उस गेम का अंत होता है तो यूज़र्स की, जितने भी प्लेयर हैं उनकी मौत हो जाती है, वे जान से हाथ धो बैठते हैं और इसमें ये सारे जो खिलाड़ी हैं वो नर्वर गियर हेडसेट पहनते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया है कि इस गेम में सिर्फ एक ही परेशानी है, वो ये है कि ये गेम आपको वास्तविकता में आपको महसूस कराएगा, जो आप गेम में फील कर रहे हैं वो आपको वास्तविक जीवन में वैसा महसूस करेगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि गेम में आप खतरा महसूस कर रहे हैं खेलते वक्त गेम के अंदर, तो आप वास्तविक जीवन में भी वो खतरा महसूस करेंगे। और इस गेम को खेलने का मज़ा भी कहते हैं तभी है जब आप खतरा महसूस करें, नहीं तो आपको आनंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और असली खतरा ही आपको गेम खेलने के लिए, एक दूसरे व्यक्ति के साथ खेलने के लिए प्रेरित भी करेगा। लकी ने कहते हैं कि साल 2017 में ऑक्यूलस को छोड़ दिया था और एंड्यूर इंडस्ट्री को प्रारंभ किया था। तब उन्होंने ये बात साझा की थी कि नर्वर गियर एक रियल लाइफ वर्जन है, उन पर वे काम कर रहे हैं नर्वर गियर के रियल लाइफ वर्जन पर। अभी तक वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि पूरा परफेक्ट वीआर बनने के लिए अभी कुछ समय लगेगा उन्हें। और ये भी बताया कि जब इस गेम को खेला जाएगा इस हेडसेट को पहनकर, तो अचानक गेम जब खत्म होगा तो अचानक से एक फायर होगा और यूज़र की मौत हो जाएगी। जी हाँ, है ना बहुत ही डरावना। तो उनका ये कहना है कि परफेक्ट वीआर बनने में अभी समय लग सकता है और ये अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस हेडसेट में 3 विस्फोटक चार्ज लगे हुए होंगे जो कि सीधे खिलाड़ी के सर के ऊपर लगाए जाएंगे, सर के ऊपर स्थित रहेंगे और जैसे ही लाल स्क्रीन नज़र आती है तो नैरो बैंड फोटो सेंसर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हेडसेट अब तक केवल एक ही है, एक ही वर्जन है इसका और ये अभी तक बाज़ार में उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए लोगों को अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही ये यूज़र्स के पास पहुँचेगा भविष्य में। तो हमारे साथ बने रहिए और भी चटपटी और धमाकेदार खबरें जानने के लिए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।